सरोकार। बीजेपी ने जारी की 7 मेयर प्रत्याशियों की लिस्ट। कानपुर से प्रमिला पांडे, अयोध्या से गिरीश पति और गाजियाबाद से सुनीता दयाल को मिला टिकट। परिवारवाद विरोधी नीति पर भारी पड़े राज्य मंत्री। बीजेपी ने दिनेश खट्टी को 2 बहनों को दिया टिकट। वर्षा सहारनपुर और सुधा मेरठ से चेयरमैन प्रत्याशी। शाहजहांपुर की सीट पर तीनों मंत्रियों ने झोंकी ताकत। सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुई अर्चना वर्मा। इटावा सदर सीट से बीजेपी ने ब्राह्मण चेहरे को उतारा। पूर्व विधायक स्वर्गीय अशोक दुबे की पत्नी कुसुम दुबे लड़ेंगे चुनाव। समर्थकों ने किया स्वागत। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता बोले, क्राइम फ्री यूपी कर रही है योगी सरकार। प्रयागराज में मनीष शुक्ला ने कहा, सभी 17 नगर निगमों में खेलेगा कमल। देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रुख करते हैं खबर की ओर। इम्फाल में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रियों के चिंतन शिविर का आयोजन हो रहा है। इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले एक वर्ष में भारतीय खिलाड़ियों ने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। नॉर्थ ईस्ट से निकलने कितने ही खिलाड़ियों ने देश के लिए मेडल जीते हैं, देश की शान बढ़ाई है। नेशनल यूथ फेस्टिवल का भी है। इसे ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए नए सिरे से सोचा जाना चाहिए। राज्यों में जो इस तरह के कार्यक्रम होते हैं वो सिर्फ और औपचारिकता ना बने, इसको हमने बहुत बारीकी से देखना चाहिए। जब चौतरफा इस तरह के प्रयास होंगे तभी भारत एक लीडिंग स्पोर्ट्स कंट्री के तौर पर स्थापित हो जाएगा। साथियों, स्पोर्ट्स को लेकर आज नॉर्थ ईस्ट में जो काम हो रहा है वो भी आपके लिए एक बड़ी प्रेरणा है। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी 400 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं आज पूर्वोत्तर के विकास को नई दिशा दे रही है। इम्फाल की नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आने वाले समय में देश भर के युवाओं को नए अवसर देगी। खेलो इंडिया स्कीम और टॉप्स जैसे प्रयासों ने इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई है। नॉर्थ ईस्ट के हर जिले से कम 2 खेलो इंडिया सेंटर और हर राज्य में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस की स्थापना की जा रही है। ये प्रयास खेल जगत में एक नए भारत की बुनियाद बनेंगे, देश को एक नई पहचान देंगे। आपको अपने अपने राज्यों में भी इस तरह के कार्यों को और गति देनी है। मुझे विश्वास है ये चिंतन शिविर इस दिशा में अहम भूमिका निभाएगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम निकाय चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। आज सीएम योगी सहारनपुर, शामली और अमरोहा में जनसभाएं कर रहे हैं। वहीं सहारनपुर में सीएम योगी ने संबोधन के दौरान कहा कि पहले सहारनपुर बुनियादी सुविधाओं से वंचित था। पहले सहारनपुर में दंगे हुआ करते थे, अब प्रदेश में कर्फ्यू कहीं नहीं लगता। यहाँ के शिल्पकारों ने कितनी मेहनत की, कितना परिश्रम किया, पिछली सरकारों ने उन्हें उपेक्षित किया। हमारी सरकार ने उन्हें गले से लगाया और आज यहां का कास्ट कला फिर से वैश्विक मंच पर अपनी आभा को बिखेर रहा है। कौन ऐसा घर होगा उत्तर भारत का जहां पर सहारनपुर का फर्नीचर न हो, यहां की कास्ट कला जिसके घर की शोभा न बढ़ा रही हो। अभिनंदन करता हूं मैं इन सभी का। सहारनपुर का गुड़ हो या सहारनपुर की मिठास,
यहाँ के किसानों की मेहनत हो या यहाँ के सुसभ्य और सुसंस्कृत सुशिक्षित नौजवानों की प्रतिभा। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने की कवायद जारी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 के चुनाव से पहले केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार के खिलाफ विपक्षी ताकतों को एकजुट करने के लिए आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। नीतीश कुमार का सोमवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी मिलने का कार्यक्रम है। वहीं इसे सीधे तौर पर नीतीश की बीजेपी विरोधी मोर्चाबंदी के तौर पर देखा जा रहा है। चुनाव ड्यूटी को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है। बता दें कि अगर पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं, तो उनमें से किसी एक को निकाय चुनाव की ड्यूटी से छुट्टी मिल सकती है। बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन ने मांग की अगर पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं, तो उनमें से किसी एक को निकाय चुनाव की ड्यूटी से छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि पोलिंग पार्टी में शामिल कर्मचारियों को मतदान से एक दिन पहले जाना होता है और रात में भी वहीं ठहरना होता है। ऐसे में उनके बच्चों की देखभाल में परेशानी ना हो, इसलिए ये फैसला लिया गया है। संगठन की मांग पर आयोग ने प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र जारी करते हुए निर्देश दिया है। सपा को बड़ा झटका लगा है। अर्चना वर्मा ने सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई हैं। आपको बता दें कि यूपी के नगर निकाय चुनाव में अखिलेश यादव ने अर्चना वर्मा पर भरोसा जताते हुए शाहजहांपुर नगर निगम से मेयर पद के लिए उन्हें समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया था, लेकिन आखिर मौके पर सपा को करारा झटका देते हुए मेयर की सपा प्रत्याशी अर्चना वर्मा ने समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर लिया है। मेयर पद की सपा प्रत्याशी अर्चना वर्मा सपा छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद पहली बार देर रात शाहजहांपुर पहुंची, जहां भाजपा कार्यालय पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी में हावी गुटबंदी के चलते उन्होंने सपा को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया है। इशारा साफ है, आपने देखा विधानसभा चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी को दोबारा 30 साल का इतिहास में कभी जो नहीं हुआ वो मोदी जी और योगी जी के इस कार्यकाल में हुआ है। दोबारा उत्तर प्रदेश में सरकार बनी और आज शाहजहांपुर के लिए एक राजनीति में मैं समझता हूँ बहुत ही एक मील का पत्थर है, जहाँ अर्चना वर्मा जी का मैं स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को जिन्होंने अनुमति दी उन्हें पार्टी में आने के लिए। जनाधार भी बढ़ेगा और राममूर्ति वर्मा जी जो इनके ससुर थे वो राजनीति में शाहजहांपुर में खासी प्रभाव और जनाधार रखते थे और फैसले की वजह गुटबाजी रही है। हम काफ़ी दिनों से परेशान थे और हम सबसे बोल भी रहे थे कि हमारे साथ चलिए, और जो हम कह रहे थे वो हम कर भी नहीं रहे थे और बता भी नहीं कुछ रहे थे। हम कुछ कह रहे थे कि यह शहर के लोगों को सूची दीजिए जिससे हम उनसे बात कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने हमें कोई भी चीज़ उपलब्ध नहीं कराई। इससे मैं बहुत परेशान हो गई थी और शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने मुझे सही समय पर सही रास्ता दिखा के अपने परिवार में ले लिया। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करती हूँ। और मैं यहाँ पर आके सुरक्षित हूँ और मैं श्रीमती अर्चना वर्मा जो जिला पंचायत की अध्यक्षा रहीं और एक बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन की। आपको समाजवादी पार्टी की तरफ से शाहजहांपुर नगर निगम के मेयर पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था, लेकिन उन्होंने अपने आप को उससे अलग करने और वहाँ की गुटबाजी से परेशान होकर यह निर्णय लिया। मैं श्रीमती अर्चना वर्मा का स्वागत करता हूँ और उनको औरैया नगर पालिका सीट से अध्यक्ष पद के लिए लालजी शुक्ला ने पर्चा दाखिल किया। विकास के मुद्दों को लेकर लालजी शुक्ला चुनाव में उतरे हैं। लालजी शुक्ला का कहना है औरैया की जनता हमेशा उनका समर्थन करती है। 22 के बीच में कुछ मुद्दे जनता के थे, उनको हम पूरा नहीं कर पाए, उसका कारण कोरोना काल है। प्रदेश सरकार और देश की सरकार से कोई ग्रांट नहीं मिली, कोई पैसा नहीं आया, जिसकी वजह से 17 और 22 के बीच में जो जनता का सपना था वो सपना चाहे साकार नहीं हो पाया है।
वही अधूरे सपने को पूरा करने का संकल्प लेके 22 और 27 के बीच में जनता के बीच में। जहाँ तक अन्य दलों की बात की जाए तो उन सब में एक सुगवाहट है आपको लेकर के, आपने निकली यहाँ से पक्षों पर, उसको लेकर के भी उन्हें संशय की स्थिति बनी हुई है, क्या कहना चाहते हैं? क्या संशय की स्थिति बनी है अपनी जीत की सुनिश्चितता को लेकर? नगर निकाय चुनाव में बीजेपी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के गुर्गो की दबंगई सामने आई। बता दें कि डी थाना क्षेत्र के अंतर्गत परशेदपुर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष और निर्दलीय प्रत्याशी विनोद कौशल की पत्नी अपने पति के लिए महिलाओं की टोली के साथ नगर पंचायत के वार्ड में प्रचार कर रही थी, तभी मोटरसाइकिल सवार एक दर्जन से अधिक दबंगों ने महिलाओं को रोक कर उनके साथ अभद्रता करनी शुरू कर दी। बता दें कि प्रत्याशी के साथ दो सरकारी सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में महिलाओं के साथ अभद्रता की गई है। महिला द्वारा बीजेपी प्रत्याशी के गुर्गे के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी की गई है। आप मत बोलिएगा, प्रचार के दौरान आप लोगों के साथ अभद्रता करी गई जी। तो कौन लोग थे और क्या हुआ था? वो लोग थे जो लगाए थे कमल का पट्टा बांधे थे और रंगोछा भी डाले थे। कितने लोग रहे होंगे? वो 10-15 लोग थे, 15 से भी ज्यादा थे। सारे लोग थे और बदतमीजी कर रहे थे वो लोग साथ। उसके बाद जो है क्या रुक कर क्या कहा आप लोगों से? वो लोग बस आगे पीछे नाच रहे थे और जो मेरे पीछे औरतें थी उन लोगों को अभद्र से मैं कमेंट कर रहे थे, बोल रहे थे गंदी गंदी, मतलब बातें कर रहे थे, आओ बाइक में बैठा लेते, ये करते वो करते। ये बताएं अध्यक्ष जी कि आप 5 सालों तक भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता और यहाँ से चेयरमैन रहे, क्या वजह थी टिकट कट जाने और कौन लोग थे जो आप के खिलाफ इतनी साजिशों को अंजाम दे रहे हैं? मैं किसी को दोषी नहीं मानता हूँ। हो सकता है मेरे कार्य से संगठन संतुष्ट ना रहा हो, मेरे पे संदेह व्यक्त किया हो सकता है यहाँ से सूचनाएं गलत गई हों मेरे खिलाफ। संगठन ने टिकट काटा है और संगठन को मैं साबित करना चाहता हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ। अतीक के चकिया वाले दफ्तर में खून से सने कपड़े और चाकू मिले हैं। वहीं अतीक के दफ्तर की सीढ़ियों पर भी खून के लाल धब्बे मिले हैं। बता दें कि साल 2017 में दफ्तर पर बुलडोजर चला था, तब से दफ्तर वीरान पड़ा था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद इसी दफ्तर पर हुई छापेमारी के दौरान पुलिस को कैश मिले थे। वहीं पुलिस द्वारा एक बार फिर से जांच में दफ्तर से कई राज खुले हैं। इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। बता दें कि अतीक के चकिया वाले दफ्तर में कई सबूत मिले हैं। आपको बता दें कि वहां पर खून से सने कपड़े और चाकू भी पाए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अतीक के चकिया वाले दफ्तर पर एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन चला है, जहां पर खून से सने कपड़े और चाकू मिले हैं। दीवारों पर खून के धब्बे भी दिखाई दिए हैं। महेशपाल हत्याकांड को लेकर एक बार फिर से जो है अतीक के चकिया वाले दफ्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, जहां पर खून से सने कपड़े और चाकू भी पाए गए हैं। वहां पर ज्यादा जानकारी के लिए खबर पे हमारे साथ संवाददाता पवन पटेल जुड़ेंगे। पवन, अतीक के चकिया वाले दफ्तर पर एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन चला है, जहां पर खून से सने चाकू भी मिले हैं, दीवारों पर खून के धब्बे मिले हैं, और क्या कुछ अधिक जानकारी है इसको लेकर? नंदनी, ये वही अतीक अहमद का कार्यालय है जिसको कई वर्षों पहले पीडीए द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। हालांकि अभी कुछ दिन पहले जब यहां पर उमेश पाल हत्याकांड को लेकर पुलिस की टीमें जांच पड़ताल कर रही थी, उसी दौरान उसी कार्यालय में करीब 62 लाख रुपया नगद तथा दर्जनों हथियार मिले थे। आज उसी कार्यालय में पुलिस को एक चाकू मिला है और दीवारों पर तमाम जगह खून के धब्बे हैं। हालांकि कई ऐसी आपत्तिजनक वस्तुएं मिली हैं जो एक नए घटना की ओर इशारा कर रही हैं। हालांकि पुलिस और फॉरेंसिक टीमें मौके पर है, जांच पड़ताल की जा रही है। अब ये किस तरह का वहां पर चाकू मिला है या खून के धब्बे मिले हैं या जितनी भी आपत्तिजनक वस्तुएं मिली है, इसके बारे में पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जी नंदिनी,
क्या लगता है कि जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड को लेकर एक बार फिर से पुलिस जो है सक्रिय नजर आ रही है, तो इसके बाद क्या कुछ अब एक्शन हो सकता है? जी बिल्कुल नंदनी, मैंने पहले बताया कि ये वही कार्यालय है जिसको कुछ वर्षों पहले पीडीए द्वारा ध्वस्त किया गया था। हालांकि जब उमेश पाल हत्याकांड के यहाँ पे घटना हुई है, उसके बाद से पुलिस जब अतीक तथा उसके गुर्गों की तलाश कर रही थी, उसी दौरान पुलिस को इसी कार्यालय में करीब 62 लाख रुपए नगद, दर्जनों हथियार मिले थे। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये जो उमेश पाल हत्याकांड में जो शूटर है उन्होंने इसी कार्यालय में पनाह ली थी। लेकिन आज फिर जब पुलिस को वहां पर चक्कू, खून के धब्बे तथा और अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं मिली है, ऐसे में ये जो तस्वीरें हैं किसी नई घटना की ओर इशारा कर रहे हैं और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इसमें किसी बड़े हत्या का षड्यंत्र रचा गया है। हालांकि पुलिस की टीमें जांच पड़ताल कर रही है, जल्दी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी तब इस पर कुछ कहना मुनासिब होगा। जी नंदिनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन। उमेश पाल हत्याकांड मामले में शामिल शूटरों का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में बरेली जेल में अशरफ से मिलने पहुंचे शूटर नजर आ रहे हैं। वीडियो से बरेली जेल में उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। बता दें कि इन शूटरों में से विजय चौधरी उर्फ उस्मान असद एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। बिजली हड़ताल मामले में आज सुनवाई होनी थी। बता दें कि प्रदेश में एक साथ लाखों बिजली कर्मियों ने हड़ताल की थी। प्रदेश में 72 घंटे की हड़ताल हुई थी। आज हाई कोर्ट में हड़ताल को लेकर सुनवाई थी। इस दौरान पावर कॉर्पोरेशन और बिजली कर्मचारी अपना पक्ष रखने वाले थे, वहीं विभाग का नुकसान का विवरण भी कोर्ट में पेश करने वाले थे। बता दें कि फिलहाल हाई कोर्ट की सुनवाई टल गई है। कोर्ट ने अगली तारीख 22 मई को दी है। कोरोना के मद्देनजर सुनवाई टाली गई है। बिजनौर में एक निजी अस्पताल में प्रसव के लिए आई महिला की हालत बिगड़ गई है। चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। इस दौरान मुरादाबाद ले जाते हुए महिला और गर्भ में बच्चे की ही मौत हो गई। बाद में परिवार वाले एम्बुलेंस में शव लेकर अस्पताल पहुंचे और हंगामा कर दिया। अस्पताल में तोड़फोड़ भी की गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान अस्पताल के कर्मचारियों और परिजनों के बीच मारपीट भी हुई। दरअसल थाना चांदपुर क्षेत्र के गांव चेहली निवासी ने अपनी पत्नी को प्रसव के लिए चांदपुर मार्ग स्थित अनुष्का अस्पताल में भर्ती कराया था। परिजनों के अनुसार ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के बाद कुछ देर बाद मुस्कान की हालत बिगड़ने पर चिकित्सक ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। मुरादाबाद ले जाते समय महिला की रास्ते में मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराने का प्रयास किया है। ये क्या मामला हुआ आज? ये मेरे गांव का एक डिलीवरी केस था। हाँ। इस हॉस्पिटल में, क्या नाम है इस हॉस्पिटल का, मुझे जानकारी है, अनुष्का हॉस्पिटल में लाए थे। यहाँ इन्होंने जो है उसकी डेथ हो गई। अच्छा। पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगा दिया, मुंह पकड़ के लगा के कुछ रेफर कर रहे थे। हाँ। उसके बाद जो है यहाँ बातचीत करी तो अंदर 3-4 गुंडे बैठा रखे उनके साथ मारधाड़ कर दी घर वालों के। इनके पति का नाम क्या था? पति का नाम डॉक्टर बाजिद है। जो महिला जो एक्सपायर हुई इनका नाम क्या है? इनका नाम बहू थी बेचारी। नाम जानकारी करना, क्या नाम है? अब इसका नाम क्या था बाबू? मुस्कान। हरदोई माधवगंज इलाके में कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने जिसकी पहचान एक महापुर गुमशुदा हुए किशोर के रूप में की है, सूचना पर पहुंची पुलिस ने हड्डियों के अवशेष को इकट्ठा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बता दें कि माधवगंज थाना क्षेत्र के जलियापुर निवासी का 16 वर्षीय पुत्र मार्च माह में गुमशुदा हो गया था। परिजनों ने 18 मार्च को थाने में तहरीर देकर गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस मामला दर्ज कर किशोर की तलाश में जुटी हुई थी। गांव के लोगों ने पूर्व दिशा में विजय के खेत में हड्डियां देखी, जिसकी सूचना मिलने पर मानसिंह के परिजन खेत में पहुंचे, जिन्होंने कपड़े और कंकाल देखकर शव होने की पुष्टि की है। मौके पर पहुंचे सीओ और फॉरेंसिक टीम ने खोपड़ी हड्डियों के अवशेष को इकट्ठा कराया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों का आरोप है कि उसके बेटे की रंजिशन हत्या की गई है। पुलिस अभी तक ये जानकारी नहीं दे पाई कि हड्डियां और कंकाल यहां कहां से आए हैं। फिलहाल मामले की जाँच में जुटी हुई है। यह प्रकरण थाना माधवगंज के जलियापुर का है, जिसमें
विगत मार्च माह में मुकदमा पंजीकृत किया गया था 363 का। उसी प्रकरण में कल शाम परिजन द्वारा बताया गया है कि खेत में कुछ हड्डियाँ मिली हैं और कुछ कपड़े मिले हैं जो उनके बच्चे के प्रतीत हो रहे हैं, ऐसा द्वारा बताया जा रहा है। उस प्रकरण में पुलिस द्वारा पंचायतनामा पोस्टमार्टम में कार्रवाई की जा रही है, उसमें जो भी तथ्य आएंगे तदनुसार कार्रवाई कराई जाएगी। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।